कहानी के शुरू में हमें एक मछली बेचने वाली को दिखाया जाता है जो कि मछली बेचकर अपना गुजारा करती है। उसका हमेशा से ही एक सपना था कि उसका खुद का एक ऑटो रिक्शा हो। वो सोते उठते बस एक ही सपना देखती है, वो भी ऑटो का। लेकिन इसके पास पैसे नहीं होने के कारण वो ऑटो नहीं ले पा रही थी। वो एक दिन मछली बेचने के लिए काटती है तो उस मछली के अंदर से एक मोती मिलता है। फिर वो उस मोती को बेचकर एक चमचमाता हुआ एक ऑटो खरीद लेती है। वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, मानो कि उसको दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। ऑटो मिलने पर वो बहुत ज्यादा घूमने लग जाती है। वो ऑटो से इतना प्यार करती थी कि मानो कि उसकी जान हो। वो एक दिन बहुत तेजी से ऑटो चला रही थी, तभी उसके ऑटो के सामने एक बच्चा आ जाता है जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये मछली वाली सीधा जाके खाई के अंदर गिरती है जिससे उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है और उसके हाथ पैर में भी चोट लग जाती है और उसका ऑटो भी टूट जाता है। अब वो घर के अंदर बस खाली बैठी रहती थी और कुछ काम नहीं करती थी। फिर वो बाहर आकर अपने ऑटो को देखती है। वो उस ऑटो को कुछ पैसे देकर ठीक करवा लेती है। फिर इसके दिमाग में पता नहीं क्या आता है कि वो ऑटो को लेकर सीधा खाई के अंदर कूद जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।